ऑसम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने लॉस को किस तरह से रिकवर कर सकते हो। बहुत से लोग क्या होते हैं कि नए नए आते हैं ट्रेडर बनने के लिए और अच्छा खासा कैपिटल लेकर आते हैं और वो कैपिटल बहुत कम हो जाती है या ज़ीरो हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है पूरी की पूरी कैपिटल। कैसे हो जाती है और आप अपने लॉस को रिकवर, जो भी लॉस हो चुके हैं उसको आप रिकवर कैसे करते हो, कर सकते हो, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करने वाले हैं एंड एग्जैक्ट आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पेन और पेपर लेकर आइए ताकि मैं जो जो बताऊँ उसको आप नोट करो और फिर उसको अप्लाई करो। तो गाइस देखो होता है क्या कि हम शुरू शुरू में अच्छा खासा कैपिटल लेके आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 12 लाख रुपए लेकर आए हैं और वो 2 लाख रुपए रह गया है, या 10 लाख रुपए लेकर आए हैं वो 1 लाख रुपए रह गया है, 1 लाख रुपए लेकर आए हैं वो 20,000 रह गया है, 20,000 लेकर आए थे वो 10,000 रह गया है, 10,000 लेकर आए थे तो वो ज़ीरो हो गया है, या कुछ भी आपका लॉस अच्छा खासा हो गया है आपके कैपिटल के हिसाब से। तो अब आपको क्या करना चाहिए जो आपके लॉस जो है वो रिकवर हो जाए, आपको कैसे क्या कैसे कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो आपके लॉस जो है वो रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट में आ जाओ। तो गाइस उसके लिए मैंने 7 पॉइंट्स रेडी किए हैं और उन 7 पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है एंड एक एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पेन पेपर लेकर ज़रूर इसको नोट करें ताकि आपको इसका फ़ायदा ले सके पूरा पूरा। तो गाइस पहला जो चीज़ करना है आपको वो ये कि आपके मन में जो भी ख्याल है ना रिकवरी को लेकर कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है उसको हटा दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार मेरा लॉस रिकवर हो जाए उसके बाद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, शेयर मार्केट से बाहर चले जाऊंगा, तो अभी चले जाओ बाहर और वो जो लॉस है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, वो लॉस रिकवर नहीं होगा। लॉस कभी भी रिकवर नहीं होता है मेरे भाई, हमेशा नया पैसा बनता है शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग में। अगर आपको कोई बंदा ये बोल रहा है कि इस तरीके से लॉस रिकवर हो जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है, कभी भी लॉस रिकवर नहीं होगा, हमेशा नया पैसा बनेगा। तो अब नया पैसा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो गलतियां ना करके जो आप अभी तक करते आए हो, ठीक है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपको अपना दिमाग में से ना माइंड में से ये चीज़ हटा देनी है, रिकवरी वाला वर्ड रिकवरी हटा देनी है कि रिकवर कभी नहीं होगा पैसा, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए मैं बाहर चले जाऊँगा, अगर आपको बाहर जाना है तो अभी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रहोगे तो आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग सीखने के बाद ही नया पैसा बनेगा, दैट्स इट। दूसरी चीज़ आपको अपने आप से सवाल करना है, सवाल क्या करना है कि मैंने जो अभी तक अपना कैपिटल गवाया है, अभी तक जो पैसा लूज़ किया है वो क्यों किया है, क्या कारण है, वो आपको ना थोड़ा सा अपने दिमाग लगाकर सोचना है एंड उसको पेन और पेपर लेकर नोट करना है कि मेरे लॉसेस किस वजह से हुए हैं। बेसिकली दो तरीके से लॉस होते हैं लोगों के, एक जो है इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अब इंटरनली क्या है और एक्सटर्नली क्या है दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर में बेसिकली क्या होता है कि आपकी या तो साइकोलॉजी गड़बड़ होगी, साइकोलॉजी आपकी सही ढंग से काम नहीं कर रही होगी, उस वजह से आपने पैसा लूज किया। दूसरी चीज़ हो सकता है आप इमोशन रश होंगे, यानी कि कहीं पर कुछ कहा सुनी की होगी, किसी के मतलब किसी के कहने पर कुछ सुना होगा और उसके बेसिस पर ट्रेड किया होगा, इस वजह से लॉस हुआ है। तीसरी चीज हो सकता है इमोशन ड्रिवन हुआ होगा, जैसे कि किसी से झगड़ा लड़ाई, घर में किसी झगड़ा हुआ होगा, रिवेंज में आके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस वजह से लॉस हुआ होगा। उसके बाद में हो सकता है आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई भी आपके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी ट्रेड करने की, आप अंधा ऐसे ही घुस गए, उस वजह से भी आपके लॉस हो सकते हैं। एंड उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न जो निकल कर आता है, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप अपनी पोजिशन को हेज नहीं करते हो या स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, सीधा ट्रेड में घुस जाते हो, नंगी पोजिशन ले लेते हो, उसके कारण भी आपका स्टॉप लॉस, जो क्योंकि स्टॉप लॉस तो होता ही नहीं है, तो आपके बड़े बड़े लॉसेस होने का कारण यही होता है। तो ये हो गया कुछ जो इंटरनल फैक्टर हैं वो हो गया, और एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बहुत कम होता है इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। एक्सटर्नल फैक्टर में बेसिकली हो सकता है कि किसी ब्रोकर की गलती से, क्योंकि आप जो जहाँ पे जिस भी ब्रोकर से ट्रेड करते हो उस ब्रोकर की गलती से आपका हो सकता है सर्वर डाउन हो गया हो, उस वजह से आप ट्रेड से बाहर ना निकले हों, या फिर कोई भी ऐसी गलती की क्वांटिटी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब ब्रोकर की गलती से आपका लॉस हुआ है। वैसे ऐसे ये कितने लोगों के साथ हुआ कि ब्रोकर की वजह से उसका बड़े लॉस हो गए, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिसका ब्रोकर की वजह से लॉस हुआ होगा। एक्सटर्नल फैक्टर में एक और चीज़ आती है, कोई इवेंट आ जाता है ना, तो इवेंट में क्या होता है कि औंधे पौंधे मूव बहुत ज़्यादा आते हैं। औंधे पौंधे मूव का मतलब कि एकदम से ऊपर चला गया, एकदम से नीचे चला गया, तो उस सिचुएशन के कारण अगर आपका लॉस हुआ है
तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बाकी इसके ऊपर हम अभी आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कभी भी टिप के ऊपर ट्रेड ना करें, क्योंकि ज्यादातर नए ट्रेडर ना टिप के ऊपर आते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की टिप एंड एडवाइस के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो आपको कॉल आते हैं ना कि सर हमारे लेवल्स ले लो, हमारी पेड कॉल ले लो, वही सब के कारण आपके लॉस हुए होंगे। तो जिस भी कारण से लॉस हुआ है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से फैक्टर की वजह से आपका लॉस हुआ है, किस कारण से लॉस हुआ है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करनी है दूसरी चीज, ठीक है, कि आपको अपनी जो भी मिस्टेक थी ना, जिस भी वजह से आपके लॉस हुए, उसको आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि अपने आप से सवाल करना है, ठीक है। अब अपने आप से सवाल क्या करना है, जो भी आपने अभी तक सीखा है, किया है, उस सबको भूल जाओ और वापस दोबारा आ जाओ वहीं पर जहां से शुरू किया था ना, वहीं पर वापस आ जाओ। जो कुछ किया आपने, दिमाग को जीरो कर दो, बेसिक कम बैक टू क्लीन स्लेट के ऊपर आ जाओ वापस, और वहां पर आकर अपने आप से सवाल पूछो कि लॉस किस वजह से हुए, इंटरनल फैक्टर थे या एक्सटर्नल फैक्टर थे, उसको नोट डाउन करो और देखो कि किस वजह से लॉस हुए हैं। सी देखो, ट्रेडिंग में ना बहुत जरूरी है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ, ये सवाल अपने आप से करना। क्योंकि देखो, हर चीज बनने के लिए ना किसी चीज का क्राइटेरिया होता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके लिए इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर बनना है तो MBBS करना जरूरी है। उसी तरह से अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बंदा आकर ट्रेडर बन सकता है। एंड वहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट हर तरह का नहीं होता है। तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे लिए ट्रेडिंग बनी है या नहीं बनी है, क्या मैं चार्ट को प्रॉपर दिल से टाइम दे पाता हूँ, क्या मैं चार्ट को समझ पाता हूँ, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। उसके बाद अगर देखो, कई लोगों का ना चार्ट में मन नहीं लगता और वो जबरदस्ती बैठे रहते हैं, जबरदस्ती चार्ट में ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह की अगर आपके साथ सीन है तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। बट हाँ, अगर आपको चार्ट से प्यार है, आपको मार्केट में बैठने में अच्छा लगता है, चार्ट देखने में अच्छा लगता है, चार्ट स्टडी करने में अच्छा लगता है, तब आपके लिए डेफिनेटली ट्रेडिंग है। एंड इसके ऊपर ना मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो वो आई बटन पे जाकर देख लेना कि क्या कोई भी बंदा ट्रेडर बन सकता है या नहीं। चौथी चीज, जब भी आपको लॉस बड़े बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको लीव लेना है, ठीक है। मार्केट में 2 दिन का लीव होता ही है, लेकिन आपको लंबा वीक लेना है। मतलब लंबा लीव का मतलब ये हो गया कि 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, या 6 महीने के लिए कम से कम आप हॉलीडे पे चले जाओ, 6 महीने के लिए आप मार्केट में ट्रेड मत करो। अब गाइज, उन 6 महीने में दूर रहने का मतलब ये नहीं कि बुरा पूरा रिश्ता नाता ही तोड़ के एकदम से मार्केट में वापस आएंगे। 6 महीने का मतलब ये लीव लेने का कि उन 6 महीने में आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो, आप देखो कि आपकी गलती कहाँ थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है कि जो मार्केट में चल रहा है उस पर नज़र रखनी है, डेली मार्केट को ट्रैक करना है, ट्रेड नहीं लेना है, ट्रैक करना है बस। उसके बाद आप कुछ ट्रेडिंग की बुक्स ले लो, ट्रेडिंग की बुक्स आप उनको स्टडी करो और उनमें देखो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका क्या मानना है ट्रेडिंग को लेकर। कभी भी ट्रेडिंग टिप एंड एडवाइस की बदौलत नहीं होती है, प्रॉपर स्क्रीन टाइम दो और ट्रेडिंग को समझो। उसके बाद अगर आपको लगे ट्रेड लेना चाहिए तो आप पेपर ट्रेडिंग करो, कभी भी रियल पैसे से ट्रेडिंग मत करो उन 6 महीनों में। आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। अगर उन 6 महीने में आप सर्वाइव कर गए और आपको लगेगा कि हाँ मार्केट मेरे लिए है या मैं मार्केट के लिए हूँ, तो आप ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते हो। और जो आपके लॉस हुए उसे एक्सेप्ट करो और भूल जाओ। सी मेरे भाई, मार्केट ना अगर आप ये सोच रहे हो 6 महीना मैं नहीं काम करूंगा तो इतना मेरा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। आपके आने से पहले भी मार्केट यही था, 10 साल बाद भी मार्केट यही रहेगा, 50 साल बाद भी मार्केट यही रहेगा, और 50 साल पहले भी मार्केट यही था, आपके जाने के बाद भी मार्केट यही रहेगा, आने से पहले भी यही था। तो मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, बस आपको मार्केट के लिए बनना है। तो आई होप मैंने जो बताया वो चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। उसके बाद पांचवी चीज जो करनी है आपको, अपना डिसिप्लिन और रूल्स जो है वो बनाना है और उनको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। आपको एक प्रोसेस बिल्ड करनी है, इन शॉर्ट में बोलूँ तो। अब उसमें देखो, जो चीज़ें अभी तक आपने की है ना, चाहे देखो हो सकता है आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा उसके कारण बड़े बड़े लॉस हो गए, हो सकता है आपने रिवेंज ट्रेडिंग करी होगी, ओवर ट्रेडिंग करी होगी उस वजह से बड़े बड़े लॉस हुए हैं, हो सकता है आप लालच में आकर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे होंगे उस वजह से आपके बड़े लॉस हुए हैं या उस वजह से आपका कैपिटल गायब हुआ है। तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना है अपने लिए, अपना रूल खुद बनाना है कि मैं ये रूल कभी ब्रेक नहीं करूंगा, और वो रूल बनाओ और उसको कभी ब्रेक मत करना, ठीक है। मार्केट हर तरह के ट्रेड देता है, लेकिन हर ट्रेड आपके लिए हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद में छठी चीज जो है वो, आपको हमेशा रियलिस्टिक रहना है,
बी रियलिस्टिक। देखो होता क्या है ना, लोग आके शुरू शुरू में ही जीरो हीरो के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा 2 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ये सब नहीं करना भाई मेरे। अगर आपका कैपिटल गायब हो गया है ना, तो वो रातों रात डबल नहीं होगा, ठीक है। वो जितना आपका कैपिटल जीरो होने में वक्त लगा ना, हो सकता है उसका 10 times लगे उसको रिकवर होने में या उसका डबल होने में, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और रियलिस्टिक होना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि अगर आप 12 लाख रुपए लेकर आए थे, ठीक है, और आपका 2 लाख रुपए हो गया, तो वो वापस 12 लाख होने में पता है कितना लगेगा? 600% आपको रिटर्न चाहिए तब वो वापस 12 लाख होगा। और 600% पॉसिबल है कि आप महीने में या 10 दिन में या 20 दिन में या 2 महीने में भी 600% का रिटर्न ले आओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप 600% या 1200% भी रिटर्न निकाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं है। स्टार्टिंग में आप 5%, 10%, 20% मंथली भी लेके चलोगे ना तो भी बहुत है। एंड गाइस, 7th पॉइंट, आपको ट्रायल एंड एरर को हमेशा बंद कर देना है, उस पर कभी भी आपको तुक्के नहीं मारने हैं। बेसिकली ट्रायल से कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है, आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड के ऊपर ही ट्रेडिंग करनी है। नया सेटअप्स बना रहे हो तो उसके लिए एक अलग रूल है, आपको 3 मंथ बैक टेस्टिंग करनी होगी, 3 मंथ लाइव टेस्टिंग करनी होगी, उसके बाद ही एक स्ट्रेटजी बिल्ड होगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप सीधा सीधा ये है कि जो चीज़ें बनी हुई है पहले से उसी को अपनाओ और उसी पे ट्रेड करो। नया तुक्का मारने की, नया हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ गाइज, यूट्यूब पे जो 10-10, 15-15, 20-20 स्ट्रैटेजी सिखाते रहते हैं नए नए यूट्यूबर आके, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है या 2 स्ट्रैटेजी है, दैट इज इनफ, वो आपके लिए बहुत है, वो आपको हमेशा पैसा बना के दे सकती है, ठीक है। तो आपको 50 स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 से 2 स्ट्रैटेजी है और वो आपके लिए वर्किंग है, काम कर रही है आपके पास, तो उसी पे ट्रेड करो। 10 रंग की स्ट्रैटेजी सीखने का कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली आपकी जेब में पैसा आना चाहिए बस। तो गाइस, इन 7 पॉइंट्स के ऊपर आप काम करो और ये 7 पॉइंट्स आप नोट डाउन करो और सुनो कि समझो मैंने क्या बताया आपको। और अगर ये चीज करते हो तो 100% आपका लॉस भी रिकवर होगा, नया पैसा भी बनेगा और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन पाओगे, ठीक है। तो ये आपको 7 पॉइंट आपको जो है अप्लाई करने हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अब 7 पॉइंट कौन से थे, हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो ये कि आपको जो रिकवरी वर्ड है ना, वो अपने दिमाग से निकाल देना है, रिमूव रिकवरी योर माइंड, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या मेरा जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ था, किस कारण से लॉस हुआ था, वो आपको अपने आप से पूछना है। तीसरा जो है, आपको कम बैक टू क्लीन स्लेट के ऊपर आना है, वापस आपको क्लीन स्लेट के ऊपर आना है और अपने अंदर देखना है कि क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूँ या नहीं। चौथी चीज़ जो है, आपको ट्रेडिंग से लीव ले लेना है अगले 6 महीने के लिए, 6 महीने की छुट्टी पे चले जाओ। पांचवी चीज़, आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना है, बिल्ड प्रोसेस करना है, चाहे उसके अंदर रूल्स हो या डिसिप्लिन हो, आपको एक बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद छठी चीज़, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं लेना है कि आपको 1 महीने में ही अरबपति बन जाना, ठीक है। सातवीं चीज़, आपको हमेशा टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो मतलब नया सा हो। तो आई होप गाइस चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड ये चीज़ करो, डेफिनेटली आपके लॉस भी रिकवर होंगे और आप सक्सेसफुल ट्रेडर भी बनोगे, मेरी यही आशा है। एंड गाइस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या सीखने का ट्राई कर रहे हो और कोई भी बेस्ट कोर्स आपको, बेस्ट लेसन आपको नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, मैंने बेसिक से एक लेकर एक एडवांस लेवल तक का कोर्स बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो उस कोर्स को आप फ्री में जाके देख सकते हो। ये रहा वो कोर्स, यहाँ पे आप क्लिक करके पूरा का पूरा कोर्स देख डाल सकते हो, लेकिन तब देखना जब आप फ्री रहो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको इसी कोर्स के अंदर।